साथियों, मुंबई वो शहर है जिसकी गति ने देश को भी गति दी है। यहां के परिश्रमी लोग, यहां के प्रोफेशनल्स, यहां की माताएं, बहनें, युवा, आप सभी लोग इस शहर से प्यार करते हैं, गर्व से कहते हैं मी मुंबई का। बीते 5 वर्षों में आमची मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। यहां फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है ये मैं भली भांति जानता हूं। आज इन्हीं सब प्रयासों का ही असर है कि मुंबई में धीरे धीरे बदलाव आने की शुरुआत हुई है और मैं इससे सबसे सकारात्मक पक्ष ये देखता हूं कि वर्तमान के साथ ही भविष्य की जरूरतों, आने वाले दशकों की आवश्यकताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जब देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है तब हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो या फिर सेफ्टी, हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था हमें तैयार करनी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले 5 साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।